हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको फाज्मिट वेक्टर के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? फाज्मिट वेक्टर। ठीक, इस फाज्मिट वेक्टर में क्या होता है, जैसे आप प्रीवियस क्लास जो चली थी वहाँ पर मैंने आपको प्लाज्मिट वेक्टर के बारे में बताया। तो जो प्लाज्मिट वेक्टर होते हैं वो एक्चुअली आप कह सकते हैं वो एक बैक्टीरिया पे वर्क करता है। ठीक, वो बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब वो बैक्टीरिया से क्लोन करके, ठीक, बैक्टीरिया से क्लोन करके क्या करते हैं वो, उसे मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लेकिन ये फाज्मिट में क्या होता है, इसमें वायरस का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए वायरस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो कैसे वायरस का उपयोग किया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का। ठीक, बैक्टीरियोफेज वायरस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है। अगर आपको बैक्टीरियोफेज का वायरस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ लेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं पहले बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है। देखिए, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करे, क्या करे, बैक्टीरिया पे अटैक करे, उसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम देते हैं। ठीक, यानी कि द बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक ऑन बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक, यानी कि जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम देते हैं। आप समझते हैं कि बैक्टीरियाफेज जो वायरस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो कैसे कैसे बना होता है। ठीक, तो जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस में दो पार्ट होता है, अपर हेड होता है, नीचे टेल होता है। ठीक, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को टेल बोला जाता है। ठीक, हेड एंड टेल। देखिए, इस पार्ट को हेड बोलते हैं, इस पार्ट को टेल बोलते हैं। जो हेड होता है वो हेक्सागोनल होता है, यानी कि इसमें, जैसे आप लोग समझते ना, हेक्सागोनल यानी कि उसमें चार भुजाएं होती है, सिक्स भुजा होती है। ठीक, हेक्सागोनल होता है। ठीक, और इसके ऊपर यानी कि इसके अंदर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एक प्रोटीन कवर की रहती है, कोट किए हुए रहती है, ये प्रोटीन इसको कोट किए रहती है, जिसको हम लोग कैप्सिड प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। हेक्सागोनल होता है, कैप्सिड प्रोटीन लगा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। मेन मेन पॉइंट मैंने बताई, ये उसका हेड होता है, ये टेल होता है। जो हेड होता है उसके अंदर डीएस यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, उसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को चारों तरफ से एक कोड कवरिंग की होती है, किसकी कोड होती है, वो कैप्सिड की होती है, प्रोटीन की कोड होती है। ठीक, यहाँ पे नीचे क्या होता है, टेल होते हैं। टेल और हेड को जोड़ने के लिए यहाँ पे कॉलर बना होता है। ठीक, यहाँ पे ये पार्ट क्या होते हैं, ये हेड हो गया, यहाँ से टेल, इस टेल को जोड़ने के लिए, इस टेल को आपस में जोड़ने के लिए ऐसे कॉलर लगे हुए होते हैं, कॉलर। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो आपको पता रहा होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, बेसल प्लेट लगा होता है एकदम नीचे में, ये बेसल प्लेट है, और नीचे क्या होता है, फाइबर होता है, टेल फाइबर होता है, जिससे वो किसी सबस्ट्रेट पे अटैच होते हैं। सपोज करिए ये टेल फाइबर द्वारा ये बैक्टीरिया इस पे जाके अटैक करेंगे तो ये इसके द्वारा इस पे चिपक जाएंगे, किसके द्वारा, टेल फाइबर के द्वारा। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, स्पायरल हेलिकल होता है। ठीक, स्पायरल हेलिकल होता है, जिसको हम लोग, ये जो स्पायरल हेलिकल होता है ये हल होता है, खोखला होता है। ठीक, तो ये थोड़ी सी इसकी बेसिक बात थी बैक्टीरियोफेज वायरस की। ठीक, अब देखिए, अब जब कोई वायरस, ठीक, यानी कि जब बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैक करता है तो उसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक, इसके अंदर
जो होता है इसके अंदर क्या है, DS DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA है। अब जब ये बैक्टीरिया किसी वायरस पे, जब ये वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, जब ये किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है, सपोज करिए ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक कर दिया, ठीक, इस पर अटैक कर दिया, तब ये क्या करेगा, ये अपना DNA इसमें डिस्चार्ज कर देगा। क्या करेगा, ये अपना DNA इसमें डिस्चार्ज कर देगा, इसमें छोड़ देगा। कुछ टाइम बाद जैसे ही अपना ये सेंड किया, अपना DNA इसमें भेजा, किसके अंदर, बैक्टीरिया सेल के, वायरस के अंदर, ठीक, वायरस के अंदर अपने सेल को, अपने DNA को क्या कर दिया, उसमें भेज दिया, सेंड कर दिया। जब ये अपने वायरस को भेजेगा, ठीक, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं, लाइसिस, ठीक, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लाइसिस बोला जाता है, ठीक। अब ये सपोज करिए बैक्टीरिया के अंदर अपना DNA छोड़ दिया, ठीक, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर अपना DNA डाल दिया। अब ये बैक्टीरिया क्या है, ये फेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो ये आता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा M32, बैक्टीरियोफेज लैम्डा M130। तो ये एक बैक्टीरियोफेज है जिसको हम लोग वेक्टर के रूप में यूज करेंगे, ठीक। अब ये क्या किया, अब ये आपका बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, ये यानी कि जो ये वायरस है, ये किसके अंदर आ गया, बैक्टीरिया के अंदर आ गया, और इसके अंदर क्या है, आपका वायरस है इसके अंदर। अब ये दोनों आपस में क्लोन कर जाएंगे, क्लोन करके डिजायर प्रोटीन को डिजायर जिन के साथ इंजेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और डिजायर प्रोडक्ट देंगे, उसके साथ ये बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाएगा। अब जो ये बैक्टीरियल सेल है, ये कैसा है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक। कहने का मतलब मेरा, अब इसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस चला गया, अब ये आपस में जुड़ेंगे, अब डिजायर्ड प्रोटीन बनाएंगे, बस इतना बात आप लोग समझिए। उसके बाद क्या होगा वो बात समझिए। अब जो बैक्टीरियोफेज वेक्टर लैम्डा फैक्टर था, जो मैंने बैक्टीरियोफेज वायरस से उसके अंदर DNA भेजा था, वो कैसा था, वो फेज लैम्डा M130 था, ठीक। वो उसको भेज दिया गया, उसमें उस पर इंसर्ट कर दिया गया, ठीक। तो वो किस लिए यूज किया था, वेक्टर के तौर पे उसको यूज किया जाएगा। वो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आगे चल के बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के वायरस से, बैक्टीरिया के वेक्टर से जुड़ के क्या बनेगा, RDNA बनाएगा, ठीक। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, फिर उसको E. coli बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इन्फेक्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब वो लैम्डा फेज, जो लैम्डा फेज वायरस है, वो क्या होते हैं, वो वन मतलब आप कह सकते हैं वो वन 48.5 किलो बेस पेयर का बना होता है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें जो लैम्डा फेज वायरस होता है, उसमें कोहेसिव साइट होती है, ठीक। कैसे साइट होते हैं, जो डिजायर्ड जीन को लाइगेट करते हैं अपने साथ। अब जो डिजायर्ड जीन है, उसके साथ वो लाइगेट हो जाएंगे, लाइगेट होने के बाद क्या करेंगे, वो आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये था, एक बार आप लैंग्वेज के माध्यम समझिए, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया फिर अटैक करता है उसके उसे बैक्टीरियोफेज वायरस करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, हेक्सागोनल होता है। देखिए, द वायरल DNA रिप्लिकेट इनसाइड बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर वो चला गया, बहुत सारे क्लोनिंग किया उसमें, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लाइसिस कहते हैं, ठीक। तो उसके अंदर गया बैक्टीरिया फेज वायरस, वायरस जो है कि बैक्टीरिया के अंदर गया, बहुत सारे कॉपियाँ बनाया उसमें, रिप्लिकेट किया उसके अंदर, तो उसको हम लोग लाइसिस प्रोसेस करेंगे। अब क्या होगा, लाइसिस हो गया, अब जो बैक्टीरिया फेज वायरस हम लोग भेजे थे उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, ठीक। तो उसको कौन सा वायरस हम लोग भेजे थे, फेज लैम्डा 130, ठीक। अब इसका उपयोग हम लोग वेक्टर के रूप में करेंगे, वेक्टर के साथ इसको जोड़ दिया जाए। तो जो हमारा डिजायर्ड जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, बैक्टीरियोफेज वायरस, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में यूज किया गया। अब उसको हम लोग
होस्ट के अंदर भेज देंगे, किसके साथ? बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ, ठीक। अब उसको हम लोग होस्ट के साथ भेज देंगे। अब जो हम लोग फेज वेक्टर का उपयोग किए थे, कहने का मतलब लेमडा वेक्टर जो था हमारे पास, क्या कह सकते हैं आप, फेज लेमडा मतलब 130, अब उसका वेक्टर के साथ क्या करेंगे, यानी कि उसको जोड़ दिया गया वेक्टर के साथ, अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब वो जो फेज लेमडा वेक्टर और हमारा वायरस का वेक्टर, कह सकते हैं आप कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को अब हम लोग जो RDNA बना उसको अब लोग ई कोलाई बैक्टीरिया में भेज देंगे, ठीक। ई कोलाई बैक्टीरिया में उसको भेज दिया जाएगा। अब ई कोलाई बैक्टीरिया भेज के उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाएगा। जो ई कोलाई बैक्टीरिया में भेजा गया वेक्टर था हमारा, वो 48.5 किलो बेस पेयर का बना होता है, जिसमें क्या होते हैं कोहेसिव साइट होती है, ठीक। कॉस साइट होता है, कोहेसिव साइट होते हैं, कोहेसिव साइट प्रेजेंट होता है जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके लाइगेट हो जाएगा, ठीक। जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके आपका लाइगेट हुआ, सपोज करिए ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे कोहेसिव साइट देखा गया यहाँ पे, ठीक। यानी कि ये सपोज करिए आपका कोहेसिव साइट है, यहाँ पे जाके जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। अब देखिए जुड़ने की दो विधियाँ हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आगे जाके ये जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे, लार्ज नंबर का प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक। अब लार्ज नंबर में प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो आपका फेज लेमडा वेक्टर होता है ये दो प्रकार से इंसर्शन करेगा, ठीक। सपोज ये कोहेसिव साइड बना, अब इस कोहेसिव साइड को किसी वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, तब जाके ये जो है कि किसी मतलब डिजायर्ड DNA के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे जाके ये अपने जो है कि इसको रिप्लिकेशन करेगा, इसकी जो है कि और कॉपियाँ बनाएगा। अब जो फेज लेमडा वेक्टर होता है वो दो टाइप से इंसर्शन कराते हैं, यानी कि उसको दो टाइप से जोड़ा जाता है। कुछ इंसर्शन इस प्रकार से होता है कि किसी फेज लेमडा वेक्टर को किसी फॉरेन DNA के साथ अगर जोड़ दिया जाए, ठीक। सपोज करिए ये आपका DNA है जो हमने प्राप्त किया, अब उसको जोड़ा जाए, तो देखिए ये दो विधि से होता है, पहला होता है आपका इंसर्शन, दूसरा होता है रिप्लेस फेज लेमडा वेक्टर। तो पहले आपको अब इंसर्शन की चीज़ें बताते हैं, इंसर्शन फेज लेमडा वेक्टर, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होता है, किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक। देखिए इस वेक्टर में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई वेक्टर लेमडा वेक्टर हो गया, वो शॉर्ट वेक्टर है, अब इसके साथ कह सकते हैं उसे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, एलियन जीन कह सकते हैं, फॉरेन जीन कहते हैं, डिजायर जीन कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब उसको आप किसी DNA के साथ जोड़ देंगे, ठीक। DNA के साथ जोड़ देंगे, ठीक। अब वो उसके साथ जुड़ जाएगा, अब उसकी जो साइज होगी वो थोड़ी छोटी होगी, मिनिमम साइज भी हो सकती है, मैक्सिमम साइज भी हो सकती है, ठीक। लेकिन जो आपका सेगमेंट जुड़ेगा क्लीवेज के माध्यम से काट के जो जोड़ा जाएगा, वो एक्चुअल उसकी साइज क्या होगी, अगर वो साइज उसकी एक्चुअल होगी, यानी कि जितनी बड़ी होगी वो उससे बड़ी हो जाएगी, यानी कि मिनिमम है तो उससे उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब सपोज करिए आपके पास ये एक DNA है, अब इस DNA को काट के यहाँ पे फॉरेन DNA को जोड़ना है जो हमारा बना है, ठीक। अब फॉरेन DNA को जोड़ना है तो इसकी पहले हम लोग लाइगेजिंग करेंगे, इसको काटा जाएगा, ठीक। लाइगेज करके इसको काट दिया जाएगा, लाइगेज के द्वारा इसको डिस्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियस के द्वारा इसको काट दिया जाएगा, ठीक। अब जो इसकी साइज होगी वो साइज 35 से 53 किलो बेस पेयर का हो सकता है आपका बेस पेयर। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, एक नया इंसर्शन करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन जीन को, जो लगभग 18 किलो बेस पेयर का हो सकता है। अब इसके साथ इसको जोड़ना है, ठीक। इसको जोड़ना है तो यहाँ से इसको काटा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए वे 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर का बना है, ठीक। अब 6 बेस पेयर को हम यहाँ से काट दिए, काटने के बाद एक तीसरा मैंने फॉरेन DNA इसको जोड़ा 3 बेस पेयर का,
अब इसको लाइगेज के माध्यम से काटे जोड़ देंगे, तो यहाँ इसको काटने के लिए रिस्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियस लगा, क्या क्या चीज़ें लगी ये सब पहले हम बता चुके हैं। अब इसको जोड़ा गया, अब जो इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वो देखिए कितने बेस पेयर का बना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेस पेयर का बना, यानी कि इसमें अलग से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा गया वो उसकी साइज़ को क्या किया, इंक्रीज किया, यानी कि मिनिमम साइज़ को मैक्सिमम में चेंज किया, छोटी साइज़ थी उसकी साइज़ क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्शन कहते हैं, यानी कि इसमें जोड़ा जाता है और तब इसकी लेंथ क्या जाती बढ़ जाती। दूसरा होता है आपका रिप्लेसिंग फेज लेमडा वेक्टर, क्या होता है रिप्लेसिंग फेज लेमडा वेक्टर, ये रिप्लेसिंग फेज लेमडा वेक्टर क्या होता है, इसमें जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, सपोज करिए आपका क्या है डीएनए फेज वेक्टर है, लेमडा वेक्टर है, इसमें फॉरेन डीएनए जोड़ा गया, ठीक, फॉरेन डीएनए क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक, अब सपोज करिए कि ये आपका 6 बेस पेयर का क्या है जीन ऑफ फेज लेमडा वेक्टर है, अब यहाँ पे ये दो एक रिस्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियस से इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा, यहाँ से कर दिया जाएगा, दो प्लेस से इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया दो प्लेस से, ठीक, दो प्लेस से इसको काट दिया गया। अब इस दो प्लेस से काटने के बाद इसके दो बेस पेयर अलग हो गए, दो बेस पेयर अलग और ये दो अलग, अब इसके स्थान पे इस जो दो बेस पेयर काट के आपने निकाला इसके स्थान पे आप लोग फॉरेन डीएनए को ऐड कर देंगे, जब फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे लाइगेज के माध्यम से इसको जोड़ेंगे तब देखिए तब भी इसका जो 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर का तब भी ये है, जब ये जोड़ा गया यानी कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में था डीएनए तब भी ये 6 ही बेस पेयर था। यहाँ पे कहने का मतलब था केवल यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट का रिप्लेसमेंट होता है, क्या होता है रिप्लेसमेंट होता है, और जबकि इंसर्शन फेस लेमडा वेक्टर में जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आके जुड़ जाता है। अच्छा, ये इसको कहाँ काटा गया, क्योंकि इसमें नॉन एसेंशियल पार्ट था, ये फेस लेमडा वेक्टर का नॉन एसेंशियल पार्ट था, उसमें भी नॉन एसेंशियल पार्ट था बट उसमें इंसर्शन विधि के माध्यम से जोड़ दिया गया, इसमें रिप्लेस माध्यम से इसको रिप्लेस यानी कि उसके स्थान पर दूसरा ला के जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है फेज लेमडा वेक्टर का नॉन एसेंशियल पार्ट रिमूव्ड कर दिया जाता है, ठीक, बट उसका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है फेज लेमडा वेक्टर के का, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि आर डीएनए बनता है, आर डीएनए और ये रिप्लेसमेंट वेक्टर का रिप्लेस यानी कि डीएनए या फेज लेमडा वेक्टर का जो साइज होता है वो दोनों सिमिलर होते हैं, बट जो आपका इंसर्शन होता है उसकी साइज डिफरेंट होती है, जो इंसर्शन पे लिया रहता है उसकी साइज क्या होती है, उसकी साइज कम होती है, जैसे ही उसको फॉरेन डीएनए उसमें जोड़ दिया जाता है लाइगेट कर दिया जाता है उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर फिगर के माध्यम से दिखाया था कि देखिए इसमें 6 बेस पेयर था, ठीक, जब इसमें फॉरेन डीएनए जोड़ा गया फॉरेन डीएनए ऐड किया गया तब इसका बेस पेयर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वो 9 बेस पेयर का बना, तब इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज इंक्रीज की, बट आपका जो रिप्लेसमेंट फेस लेमडा वेक्टर था इसमें साइज इंक्रीज नहीं किया, साइज का लेंथ क्या था इक्वल ही था, बट इसमें रिप्लेसमेंट हो गया नॉन एसेंशियल पार्ट को रिप्लेस कर दिया गया और इसेंशियल पार्ट को यानी कि फॉरेन डीएनए को ऐड कर दिया गया, यही इस पे मेजर डिफरेंसेस होती हैं। ठीक, तो आइए अब इसी बात को आपको हम इसके लैंग्वेज के माध्यम से बता देते हैं जो आपको नोट आउट करना है। इंसर्शन फेस लेमडा वेक्टर में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रम है यानी कि इन दिस प्रोसेस मतलब इस टाइप के प्रोसेस में इस टाइप के फेज लेमडा वेक्टर में एक छोटे डीएनए को यानी कि जिसको आप जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, एलियन जीन बोलते हैं, फॉरेन जीन बोलते हैं या फिर डिजायर्ड जीन बोलते हैं, जो भी बोलते हो उसको उसके पार्ट को उसके किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं किया जाता, ठीक, विदाउट रिमूविंग उसके पार्ट को रिमूव नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जाता, बल्कि
चीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग से पार्ट को ला के उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है, ला के लाइगेट कर दिया जाता है। तो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 18 बेस पेयर का, किलो बेस पेयर का हो सकता है, ठीक। और जो आपका लेंथ होता है फेज लैम्डा वेक्टर का वो 35 से लेकर के 53 किलो बेस पेयर का हो सकता है, यानी कि इसकी जो मिनिमम साइज होती है वो 35 हो सकती है, मैक्सिमम साइज 53 किलो बेस पेयर की हो सकती है। तो 53 इसकी मैक्सिमम साइज होती है, मिनिमम साइज कितनी होती है 35 होती है। अब इसमें क्या होता है, इंसर्शन किया जाता है फेस लैम्डा वेक्टर के साथ, फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया जाता है क्लीविज एंजाइम के माध्यम से। जब ये क्लीविज एंजाइम के माध्यम से जोड़ दिया गया तब ये क्या बन गया, आरटीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर दिया जाएगा, किसी क्लोनिंग वेक्टर के साथ या फिर कल्चर मीडियम इसको ग्रो कराया जाएगा, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होगा, ठीक। ये बात हो गई आपकी इंसर्शन फेस लैम्डा वेक्टर के बारे में। अब होती है बात किसकी, रिप्लेसमेंट फेस लैम्डा वेक्टर की। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं उसको काट के रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद उसी इक्वल साइज का जितना पार्ट हम लोग रिमूव करते हैं उसी साइज का इसमें फॉरेन जीन या फिर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट, एलियन जीन जो भी कहते हो, उसके डिजायर्ड जीन को लाके इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जो इसका साइज होता है वो 35 से लेकर 30 किलो बेस पेयर का होता है, ठीक। ये इससे छोटे भी हो सकते हैं। अब किस पार्ट को हम लोग काट के रिमूव करेंगे, सपोज करिए आपका क्या है, डीएनए फेस लैम्डा वेक्टर है। अब इतना पार्ट इसका नॉन एसेंशियल है, जब इतने पार्ट को हम काट के निकालेंगे यानी कि एसेंशियल पार्ट को रिमूव करेंगे, देन उसके बाद जितने पार्ट को हम लोग रिमूव करेंगे उतने ही पार्ट को यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि उसकी लेंथ क्या होगी, एकदम इक्वल होगी, एक्चुअल होगी, उससे ज़्यादा उससे छोटा नहीं होगा, जो आपको मैंने अभी डायग्राम पे दिखाया भी था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जितने पार्ट को यहाँ पे मैंने दो बेस पेयर को कट करके यानी कि दो बेस पेयर को ऐड किया था और इसके ऊपर दो बेस पेयर को कट किया गया था, यानी कि इसमें 6 बेस पेयर फेस लैम्डा वेक्टर भी था। जब ये डीएनए आर डीएनए बना तब भी इसका जो साइज था 6 बेस पेयर का ही था, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बेस पेयर का, इसके दो बेस पेयर को कट करके रिमूव किया गया था यानी कि नॉन एसेंशियल पार्ट को, उसके स्थान पे उसी की प्लेस पे रिप्लेस किया गया, क्या रिप्लेस पे फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया गया। तो इस पे मेजर डिफरेंसेस यही होते हैं कि फर्स्ट वाले में इंसर्ट किया जाता है फॉरेन डीएनए को, उसकी साइज इंक्रीज कर जाती है, और जो आपका रिप्लेसमेंट वेक्टर होता है उस पे साइज इंक्रीज नहीं करती, उस पे बल्कि रिप्लेसमेंट होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आपका जो टॉपिक था फेस लैम्डा वेक्टर, कहने का मतलब फाज़मिट था, वो आज यहीं पे कवर होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको कॉस्मिट के बारे में बताऊंगा कि कॉस्मिट क्या होता है, कॉस्मिट का क्या रोल होता है, ठीक। अगले लेक्चर में आपको कॉस्मिट के साथ जो भी आगे की चीज़ें होंगी उसको भी बताया जाएगा कि आगे की क्या क्लासेस रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, वीडियो को बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी जो बीएससी सेमेस्टर की तैयारी है वो कंप्लीट होती रहे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होती हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और साथ ही पीडीएफ नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के आप पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कॉस्मिट वेक्टर के साथ। कॉस्मिट वेक्टर की थोड़ा सा आपको हम इंट्रोड्यूस करा देंगे, कॉस्मिट वेक्टर से थोड़ी सी आपको हम मिलाते हैं कि ये क्या होता है। तो ये प्लाज्मिड और
कोहेसिव साइड से मिलके बना होता है, यानी कि फेज लैम्डा वेक्टर से मिलके बना होता है। कहने का मतलब अगर थोड़ा सा इसका डिटेल देखें, कॉस्मिट को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, कॉस प्लस मिड, तो देख सकते हैं ये प्लाज्मिट का दो लेटर मिड, यानी कि प्लाज्मिट का मिड और कोहेसिव साइड का कॉस लेके बना है क्या, कॉस्मिट। तो यानी कि ये दोनों चीज से मिलके बने होते हैं, आपके प्लाज्मिट से और कॉस साइड से, ठीक, कोहेसिव साइड से। तो ये कॉस्मिट आपका प्लाज्मिट तथा कोहेसिव साइड का मिक्सचर है, ठीक। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे, कोहेसिव साइड क्या होता है, प्लाज्मिट वेक्टर क्या होते हैं, फिर कॉस्मिट कैसे बनता है, इसके बारे में आपको हम अगली क्लास में बताया जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।